संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। यह सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि संसद के बजट सत्र के पहले विपक्षियों को उन्होंने इस दौरान आड़े हाथों लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा, कुछ लोग आदतन हुड़दंग करते हैं, ऐसे हंगामा करने वाले लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में एक सांसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था। वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। उसके बाद 26 जनवरी को हमने देखा कि किस प्रकार से देश में कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की सामर्थ्य को, शौर्य को, संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और गुरुवार को निर्मला सीतारमण के द्वारा अंतरिम बजट एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार पर का पर्व है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित उन्होंने किया, भारत सरकार की रूपरेखा संसद के सामने रखी। विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी।